तो गाइस एक मूवी हिंदी डब में आई है जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम कैनिवल फार्म। लेंथ 1 घंटा 40 मिनट के आसपास है। तो चलिए जानते हैं कि फिल्म कैसी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो वीडियो को एंड तक देखिए। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो गाइस इसमें एक फैमिली देखने को मिलती है जो कि एक ट्रिप में जाती है, एंड जहां पर वह ट्रिप पर जाती है वहां एक आदमी है जो उन लोगों को पकड़ लेता है एंड एक इलाके में मतलब ना जाके कैद कर देता है, और जो जानवर की पिंजरा होता है उसमें उन लोगों को कैद कर देता है। अब एक एक करके उन लोगों को मारना है। तो आदमी वह ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, अब वो जो फैमिली है अपनी जान कैसे बचाती है, बचा भी पाती है या नहीं बचा पाती है, यही सब जानने के लिए तो आपको ये फिल्म को देखना पड़ता है। तो अगर इस फिल्म को एक शब्द में रिव्यू करें तो इंटरेस्टिंग। जी हाँ, फिल्म मजेदार है, देखने में मजा आता है। खासकर जो सेकंड हाफ है फिल्म का वो बहुत ही अच्छा है। जिस तरह से उसमें ना इंटेंस जिस तरह से टेंशन को बिल्ड किया गया है वह देखने में जबरदस्त लगता है और देखने में मजा आता है। और एक्शन एक्शन की बात को देखिए, इसमें बहुत ही ब्रूटालिटी वाला किलिंग सीन को दिखाया गया है। किसी को जिंदा जला दिया जाता है, किसी का हाथ काट दिया जाता है, बहुत ही ब्रूटल किलिंग सीन को दिखाया गया है। एकदम रियलिस्टिक लगता है, फेक नहीं लगता है। तो ये सब है ना प्लस पॉइंट है इस फिल्म का। कहानी आपको कुछ भी नया माल प्रेजेंट नहीं कर पाती है क्योंकि आपने इस तरह का जो कहानी है बहुत बार एक्सपीरियंस किए होंगे, तो कहानी से ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। पर जिस तरह से मेकर्स ने इसे प्रेजेंट किया है वह इंटरेस्टिंग है, मजा आता है देखकर। बाकी परफॉर्मेंस की बात करो तो जी हाँ, तारीफ तो करनी पड़ेगी। एक्टर्स ने बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दी है, देखने में बहुत ही मजा आता है। तो परफॉर्मेंस में आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करो तो जी हाँ, प्रोडक्शन क्वालिटी भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। हिंदी डबिंग बढ़िया है। तो कैसे इस फिल्म को लेकर मैं फाइनल वर्डिक्ट है, जी हाँ ये फिल्म अच्छा है। आप थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेशन के साथ इसे चेकआउट कर सकते हैं, अच्छा खासा आपका एंजॉयमेंट हो जाएगा यदि आपको खून खराबा वाला फिल्म देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो। और हाँ, बहुत ही खून खराबा है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे फैमिली के साथ देखिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।